देखा है पार्थो आपने मेरा ट्राइपॉड देखा है छोटा वाला? यहाँ पे सुबह सुबह चाप उबल रही है। अनुपन पार्थो ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। ब्रेकफास्ट में भाभी ने जो मैंगो वाली चटनी बनाई थी ना, वो है, बादाम है, और ये अनुप अपनी थाली छोड़ के गए हैं कि मैं इसमें जूठा खा लूँगी। ऐसा होता है क्या? प्यार ऐसे बढ़ता है क्या? पर सबसे पहले मैं जा रही हूँ सारे भगवानों को स्नान करा के। मैंने फूल, गुड मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल सखियों, वेलकम टू द घर। और आज मुझे यहाँ पे कोई दिनचर्या का पता नहीं चल रहा है, कौन सा वार है, कौन सा दिन है, मुझसे कुछ ना पूछा जाए, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो रात को बारिश आई थी, रात को क्या मतलब थोड़ी सी शाम को बारिश आई थी। मुंबई की कई जगहों तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इधर नहीं हो रही, पता नहीं क्यों भैया भगवान नाराज़ हो जाते हैं, जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर बारिश ही नहीं होती। तो चलो अब चलते हैं। एक तो मेरा ट्राईपॉड नहीं मिल रहा है सखियों, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इन बच्चों को मैंने रखा था, थोड़ा सा हवा लगाना ज़रूरी होता है रोज़ रोज़। यहाँ के लिए लाने हैं अभी। पार्थो मैं पूजा करके आती हूँ, ठीक है? तो ये चाप अब उबल चुकी है, काफ़ी देर से मैंने ना उबालने के लिए रखा है इसको। सॉफ्ट हो जाएगी, फिर उबाल के रख लेंगे ना तो ख़राब नहीं होगी। इवन फ्राई करके भी रख लो आप। तो चलो भैया अब मंदिर की सफाई शुरू करते हैं। सभी भगवानों को स्नान कराया गया है, बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुके हैं पहले से। ये देखो सब क्लीन कर दिया, बहुत देर लगी इनको रगड़ रगड़ के साफ़ किया है मैंने, बस इनको फटाफट से मंदिर में लगा लेती हूँ। कोई बात नहीं, तो पूजा हो गई सखियों, अब फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मुंह में नहीं डालो। कमाला खास मेरे ऑफिस में आई है, अभी के अभी तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। तुमने सही कर लिया है मैडम, बस ड्राइविंग टेस्ट पास करना था, फिर शादी के काम का बहाना देकर हमें चांस मिल जाता। शिखा तेरे हेलीकॉप्टर। सखियों ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया मैंने, पार्थो को थोड़ा सा मूवी लगा के दिया है जब तक मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ। एंड आज पार्थो का ना होमवर्क थोड़ा सा पेंडिंग रह गया है, वो करवाऊँगी कंप्लीट। कुछ प्रिंटआउट्स है वो अनुप को बोल दूँगी लेते आएंगे ऑफिस से, फिर मैं उसको काम करवा दूँगी। ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट होमवर्क तो मैं मम्मी के घर से उसको करवा के ले आई हूँ। बस थोड़ा सा जो प्रिंटआउट वाला था ना वो है। एंड अभी मैं थोड़ा सा दिन के खाने की प्रिपरेशन भी कर लेती हूँ सखियों। ये ना सोया चाप में से कुछ स्टिक्स निकली हैं और मेरा मन नहीं कर रहा है इन्हें फेंकने का, मैं इनको वॉश कर लिया है। सुखा के आई थिंक इस पर कलर करके चिपका के कुछ बनाया जा सकता है, तो देखते हैं क्या बनेगा, लेकिन रख लेती हूँ। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम आम रस बनाया है सखियों पार्थो के लिए, और दो आम मिला के मैंने इसको बस छन्नी रख के। तो जब हम ट्रेन से आ रहे थे ना, मुझे मेरे सामने दो गुजराती लड़कियाँ थी, प्रगति एंड वैभवी मैं अगर सही हूँ तो, उन दोनों ने मुझे बताया था कि पार्थो उनको बता रहा था कि उसको आम रस बहुत पसंद है गुजराती डिश में।
तो उन दोनों ने मुझे बताया कि आंटी कैसे बनाते हैं, एक केसरिया और एक राजापुरी आम लेना है एंड इन दोनों को भिगा के रखना है एंड हाथ से मसलना है ऐसे, मतलब अंदर ही अंदर उसका रस को घुमाना है। फिर उसके बाद उसके टोप को कट करके छन्नी में डाल के हाथ से उसको छानना है। बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने उसी मेथड के संग इसको बनाया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आम की वैरायटी कौन सी थी। दो अलग अलग टाइप के आम यहाँ पड़े हुए थे, मैंने बनाया है एंड आज पार्थो को दूंगी, पार्थो बहुत खुश हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच प्रगति एंड वैभवी, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया था, आई डोंट नो बच्चे हैं देखते नहीं देखते मुझे वो नहीं पता, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये रेसिपी बताई तो मैं पार्थो के लिए बना पा रही हूँ। पार्ट मेरे को काम करने तो बोलो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। क्या थोड़े पकोड़े मुझे भी दीजिए। तुम्हें कैसे पता चला पकोड़े बन रहे हैं? मुझे स्मेल से पता चला, पर मुझे एक पकोड़ा दे दो। कितना? ये एक बोल के फिंगर दो क्यों रही तुम्हारी सुनती माँ की तरह? मैं सिर्फ दो रोटी खा लूंगी। सुनती माँ कैसे कहती थी? मैं सिर्फ दो रोटी और फाइव फिंगर दिखाती थी। पार्थ भी कह रहा है एक पकोड़ा दे दो। कैसे पार्थ? कितना पकोड़ा दे दो? एक मौसियों को प्रणाम किया तुमने? प्रणाम मौसियों, चलो आज हम खाएंगे। हाँ ना 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 ना, ना इन शॉर्ट मत करो बेटा, चलो चलो दे दूंगी जाओ जाओ। तो यहाँ पे पकोड़े रेडी हो गए, मसाला भून रहा है और राइस भी रेडी हो चुका है। अब ये सैलेड कट कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट मेरा खाना बन चुका है, बस अब अनूप भी आ गए, खाना खिला देती हूँ। तो अनूप को है ना लौकी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए उनके लिए स्पेशल कोफ्ते बना दिए मैंने। तो मेरी बहनों खाना बन चुका है और अनूप को ना लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और या तो वो लौकी का हलवा खाते हैं या फिर एक मैं सूखी टाइप की, शिवानी भाऊजी ने मुझे लौकी की सब्जी सिखाई थी न्यूट्रेला डाल के, एक बार मैंने बहुत पहले अपने व्लॉग में सिखाई थी जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, एंड बहुत ही लोगों ने मुझे कमेंट किया था उसमें कि हमने बनाई हमें बहुत अच्छी लगी, एंड बहुत से लोग लौकी खाना सीख गए थे। मैं ट्राई करूँगी एक बार फिर से उस लौकी की सब्जी को बनाने की। तो फिलहाल तो मेरा खाना बन गया, अब हम जा रहे खाना खाने। मेरी हालत देखो गर्मी से चिप चिप गर्मी हो रही है। चलो भाई आप लोग भी खाओ। आज बेटा मुझे नींद आ रही है। राइस पार्थो गरम है बेटा, गरम है। पार्थो ये उठा के देख तो क्या है इसमें। थैंक यू। दो स्टिक दोगे ना और एक ब्लैक कलर का गोला, तो मैं इसका स्टिक मैन बनाऊंगा। आप बात कितनी करते हो, पार्थो खाना खा लो।
थाली के ऊपर रखो, थाली के ऊपर। अच्छा तो रात के 9 बज गए हैं, कपड़े वपड़े तय लगा लिए हैं। हे सखियों, तो रात के 9 बज गए हैं। दिन से मैंने जो ब्लॉगिंग करी थी खाना खाने के बाद, उसके बाद मैं रेस्ट करने लगी, एंड उसके बाद पता नहीं मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कुछ ब्लॉग शूट करूं या एडिट करूं। आज मैंने कुछ भी नहीं किया, इवन पार्थू का होमवर्क सोचा था आज कराऊंगी, वो भी नहीं कराया। बस मैं लेटी रही, सोई भी नहीं, सुस्ती सी आ रही थी एकदम। और पता नहीं एक्चुअली ना मेरे हाथ आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, पता नहीं, ये देखो मेरे हाथ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कुछ आई थिंक वेदर चेंज हो गया है या कुछ, या पीताम्बरी और वो जो मैं नींबू यूज़ कर रही थी ना धोने के लिए, 2-3 दिन से सर्फ भी मैंने यूज़ किया। एक्चुअली मैं ना सर्फ वगैरह यूज़ नहीं कर पाती, रख दो बेटा खा लिया, तो उसकी वजह से मेरे पूरे हाथ है ना बहुत ही बुरी कंडीशन में है। मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, इसमें छोटे छोटे दाने हो गए ना, आप देख भी पा रहे होंगे, ऐसे अजीब अजीब से चकते चकते से खून के दिख रहे होंगे। अगर आपको ये देखो कितने ज़्यादा पिंक हो रखे हैं, तो पिंक वैसे हैं मेरे हाथ लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही पिंक हो गए हैं और ज़्यादा, तो मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है हाथ में। तो बस शरीर में कहीं पे भी कुछ होता है ना तो इंसान ढीला पड़ जाता है। और अभी एकदम से बहुत भरे पूरे घर से आई हूँ ना, तो बहुत अजीब अजीब सा फील हो रहा है। मेरे को आज याद आया कि मैं जब से आई हूँ, मैं आज 3रा दिन हो गया आई थिंक, या 2रा दिन है, मैं नीचे भी नहीं गई हूँ यार, तो बहुत अजीब अजीब सा फील हो रहा है। कुछ मन ही नहीं कर रहा है मेरा करने का, इसलिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया कुछ भी उसके बाद। पर मैंने सोचा कि विदाउट एंड किए ब्लॉग तो नहीं डाल सकते, जो भी हकीकत है, जैसा मैं फील कर रही हूँ, जो भी हो रहा है वो आपके संग शेयर करूँ। तो अनूप अभी ऑफिस में ही है और पार्थू के कुछ प्रिंटआउट्स से निकालने मैंने उनको भेजा है, उसका होमवर्क तो कराना ही है, मैं बीच बीच में करा लूँगी, वो मेरे लिए इतनी बड़ी हेडेक नहीं है, बहुत ही कम होमवर्क है उसका। बस अपने घर वालों से बात कर रही हूँ सबसे, कभी किसी को फ़ोन कर लेती हूँ कभी किसी को, तो अभी उस जोन से बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सब मुझे कह रहे हैं कि तूने ऐसी वीडियो क्यों बनाई, हम इतना रोए, हम इतना रोए। रो लो, आँखें साफ़ होती है थोड़ी सी, क्यों सखियों। तो चलो सखियों, आज की दिनचर्या तो ऐसी रही आपकी सखी की, कल कोशिश करेंगे कुछ और अच्छा करने की। इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव गो ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय मेरी ब्यूटीफुल सखियों, लव गो। कमेंट करके जाना, आप लोग मेरी दूसरी फैमिली हो, आप लोग के कमेंट पढ़ के ना ऐसा लगता है परिवार वाले आ गए हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ कुछ पूछ रहे हैं, कुछ कुछ फरमाइश कर रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बस कुछ भी लिखो। और वो जो लंदन में जो छुप छुप के बैठ के देखती हैं, और कोई इंडिया में छुप छुप के देखती हैं, वो सब किया करो। ऐसे लिखती हूँ ना, जब हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, पहली बार कमेंट किया, तो सच्ची कह रही हूँ बहुत गुस्सा आता है मुझे, हक से कह रही हूँ बहुत गुस्सा आता है मुझे। लिखा करो ना, अच्छा लगता है। चलो बाय बाय।